डॉक्टरेट ऑनरी स्कॉटर डिग्री। जी हाँ, ये डिग्री अमेरिकन यूनिवर्सिटी से मिलती है। डिग्री देने वाले इंडिया के मशहूर साइंटिस्ट डॉक्टर मधुकृष्ण जी। डॉक्टर मधुकृष्ण जी ने सुनामी के फ्लड के दौरान हज़ारों लोगों की मदद की। डॉक्टर मधुकृष्ण का एक आश्रम भी है जो अंडमान और निकोबार आइलैंड में है। आश्रम का नाम है स्नेहालय आश्रम। यहाँ पर हज़ारों गरीब बच्चों को अच्छी शिक्षा, रहने के लिए और पहनने के लिए कपड़े दिए जाते हैं। डॉक्टर मधुकृष्ण के इन कामों को देखते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने साल 2006 में कमेंडेशन सर्टिफिकेट अवार्ड देके उन्हें सम्मानित किया था। आपको बता दें, ये डिग्री 120 कंट्रीज के गवर्नर के हेड डॉक्टर मधुकृष्ण खुद देते हैं। ये डिग्री मिली है WWE के मशहूर रेसलर खली के भाई धीरज जी को। आपको बता दें, धीरज जी पेशे से एक बिल्डर है, लेकिन इसके अलावा ये सोशल कामों में हमेशा आगे रहते हैं। चाहे वो गरीबों की मदद करना हो या किसी संस्था में जहां लोगों को फ़ायदा पहुंचे, धीरज जी हमेशा आगे रहते हैं। सारा अधिकार परिवार की तरफ से धीरज जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सारा अधिकार। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका सहारा अधिकार न्यूज़ चैनल में। इस समय हम बहुत ही फेमस पर्सनालिटी के साथ ललित होटल में उपस्थित है, जिन्होंने रिसेंटली इंडिया के बहुत ही फेमस साइंटिस्ट डॉक्टर मधुकृष्ण जी ने डॉक्टरेट ऑनरी स्कॉटर डिग्री इन्हें दे के सम्मानित किया। धीरज जी, वेलकम टू सहारा अधिकार न्यूज़ चैनल। आपको इंडिया के बहुत ही फेमस साइंटिस्ट डॉक्टर मधुकृष्ण जी ने डॉक्टरेट ऑनरी स्कॉटर डिग्री दे के सम्मानित किया, आपको कैसे लग रहा है? सर, इट वॉज प्रेजेंट सरप्राइज इन मेरी जिंदगी का, कहें तो एक ऐसा क्षण था कि मैं इसके बाद अपने नाम के आगे डॉक्टरेट लगा सकता हूँ। और एजुकेशन में दिस द हायर डिग्री, अगर हम कहीं PhD करते हैं तो PhD से ऊपर एजुकेशन नहीं है हमारे देश में, और ये ऑनरेबल है। मैं सौभाग्यशाली अपने आप को मानता हूँ, और उससे बड़ा सौभाग्यशाली मानता हूँ कि डॉक्टर मधुकृष्ण जी के द्वारा मेरे को डिग्री मिली। सर, डॉक्टर मधुकृष्ण जी, जैसे कि हम सुर्खियों में, न्यूज़ में उन्हें देखते हैं कि वो काफ़ी सारे गरीब लोगों के लिए कई सालों से काम कर रहे हैं। यूरोपियन म्यूजियम में भी वो फर्स्ट और लास्ट इंडियन है जिनका स्टैचू बनाया गया है। तो आप दो वर्ड्स डॉक्टर मधुकृष्ण जी को थैंक यू बोलना चाहेंगे कि आपको उन्होंने डिग्री दे के सम्मानित किया? बिल्कुल। देखिए, डॉक्टर मधुकृष्ण जी मेरे एज ए मेंटर, मेरे फादर की तरह हैं, और वो दिल से आदमी बहुत अच्छे। मैं जब उनको पहली बार मिला, मेरी पहली मुलाकात जब मेरा ऑनरेबल था तभी हुई थी। उन्होंने मुझे बताया उनके ऑफर्स वगैरह, हम उसके लिए भी काम कर रहे हैं। अभी हम लोग अपनी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू इंडियन गवर्नमेंट को बोलने वाले हैं कि आप हमको जितने कोविड में बच्चे अनाथ हुए हैं उसमें से हर स्टेट से 10-10 बच्चे हमको दे दीजिए, जो हम उनके ऑफर्स रख के और उनको मार्केट से डोनेशंस के साथ उनका भरण पोषण करने के लिए। ये मेरे दिल की तमन्ना है जिसमें मैं उनकी मदद कर सकता हूँ। बाकी थैंक यू सर। सर, सूत्रों के अनुसार पता चला है कि आप लोगों की सहायता और उनके सहयोग में काफ़ी रुचि ला के उनको काफ़ी हेल्प करते हो और बहुत अच्छी तरह एक मानवता का संदेश दे रहे हो, इसके बारे में क्या कहना चाहोगे? सर देखिए, क्या होता है, कहते हैं ना, कोई भी व्यक्ति या नेचर के द्वारा बनाई गई कोई भी चीज़ अपना स्वभाव नहीं छोड़ती। ये मेरे पिता के दिए हुए, मेरे माता पिता के जो संस्कार हैं कि मैं लोगों के दुख में शामिल हो जाता हूँ और उनके साथ उनके लेवल पर जाके शामिल होता हूँ। हम लोगों ने कोविड के टाइम पर भी, जैसे हमारे गोवा में बहुत सारे नेपालीज हैं जिन बेचारे जो घर की लेडीज़ काम करने वाली हैं उनको घर में नहीं घुसने दिया जाता, काम बंद हो गए। चौकीदार थे उनके काम बंद हो गए। हमारे कैसीनोज में काम करने वाले लोगों का काम बंद हो गया, कैसीनो बंद हो गए। उनके लिए हम लोगों ने करीब 6.5 लाख लोगों को खाना खिलाया उस समय। और ये कॉन्सेप्ट हम लोग ऑल ओवर इंडिया लेके आ रहे हैं कि सिर्फ 10 रुपये में आपको खाना मिलेगा, जस्ट 10 रुपये। खाने वाले भी गरीब होंगे और जो लोग दिल से इस तरह के काम करना चाहते हैं, देश की सेवा करना चाहते हैं, मानव सेवा सबसे बड़ी सेवा है, उसी के तहत हमने अपनी हमारी जो NGO है, जो हमारी फाउंडेशन है, उसका नाम भी अक्षय पात्रा मानव सेवा फाउंडेशन है, जिसके द्वारा हम लोग ये सब काम कर रहे हैं।
आने वाले कल में बच्चों को एडॉप्टेशन भी हमारा है, जमानों का वर्टिकल ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन। दूसरा, अभी कोविड में आपने देखा लोगों को सांस लेने की परेशानी ऑक्सीजन की, क्यों? डेवलपमेंट में बहुत सारे ट्री वगैरह सब पेड़ काट दिए जाते हैं, तो उसमें भी हम लोग वृक्षारोपण के ऊपर भी। तीन हमारे मोटिव हैं, बच्चों का एडॉप्टेशन, भूखों को खाना खिलाना और जीवन जीने के लिए पर्याप्त वायु के लिए ट्री प्लांट्स करना, ये अब हमारा आने वाला कल्पना है। सर, मेरा आपसे लास्ट क्वेश्चन है, हम देखते हैं इंडिया में काफ़ी सारे रिच पीपल है, एफ्लुएंट लोग हैं, लेकिन फिर भी वो चैरिटी करने के लिए कहीं आगे पीछे होते हैं, लेकिन आपका भी काफ़ी अच्छा बैकग्राउंड है और आप WWE रेसलर खली जी के कजिन भाई है और फिलंथ्रॉफी में आप काफ़ी आगे है, तो आप ऐसे लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हैं कि इंडिया की गरीबी को देखते हुए फिलंथ्रॉफी करना कितना इम्पोर्टेंट है? सर देखिए, मैं आपको बताऊँ, जितने भी कॉरपोरेट घराने हैं उनको भी CSR के अंदर 2% अपनी इनकम का देना ही पड़ता है। लेकिन होता क्या है कि बहुत सारे लोग हैं जो पैसा लेने के बाद भी काम नहीं करते। अगर आज देश की NGOs या स्वयंसेवी संगठन, इस तरह की सोसाइटीज अगर 20% भी काम कर देना, तो किसी को सड़क पे सोना नहीं पड़ेगा, किसी को भूखे सोना नहीं पड़ेगा, कोई बच्चा अनाथ नहीं होगा, कोई बुजुर्ग अपने आप को वृद्धाश्रम में जाएगा। और हमारा तो कॉन्सेप्ट आने वाले कल में है, हम वृद्धाश्रम और अनाथालय दोनों एक ही रूप में लेके आना चाहते हैं, ताकि बच्चों को दादा दादी की कमी नहीं खले और दादा दादी को नाती पोतों की कमी नहीं खले इसमें। और हमारी ऑर्गेनाइजेशन जिसके लिए हम कर रहे हैं, उसका 100% पैसा हम लोग इस तरह की भलाई के कामों में लगाना चाहते हैं, ताकि ऊपर जाके भी तो ईश्वर को भी तो कुछ ना कुछ जवाब देना है। सर, मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है सर आपसे, लॉकडाउन जब से शुरू हुआ है 2 साल के करीब होने जा रहा है, देश की परिस्थिति भी काफ़ी गंभीर हो चुकी है, जो गरीब से गरीब व्यक्ति है वो अपनी रोजी रोजगार नहीं चला सकता, आप बहुत इतने बड़े खुद बिजनेसमैन हो, आपको भी काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा होगा, तो आप लोगों को, जो हमारी आम जनता, आप एक युवा हो, आप उनको क्या संदेश देना चाहोगे इस विषय को लेके? देखिए, मैं तो यही संदेश देना चाहूँगा कि कोविड ने हमको ये बता दिया कि जीवन जीने के लिए बहुत कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। कोविड में इतनी परेशानी होने के बाद भी लोग भूखे नहीं सोए, जिनके पास नहीं था उनकी लोगों ने मदद कर दी जिनके पास था, और कोई भी भूखा नहीं सोया, तो पेट भरने का इंतजाम तो ईश्वर ने करके रखा है, लोग अपनी जेब भरने में लगे हुए हैं। आप मेरी बात समझ रहे ना, लोग जेब भरने में लगे हुए हैं, तो इसलिए बहुत ज़्यादा चीज़ों को ना करके हम अगर कि अपने जीवन में किसी दो आदमी की मदद कर पाए, तो समझ लीजिए कि जीवन, इस संसार में जीवन लेने का जो हमारा मकसद था वो पूरा हो गया। और यही चीज़ को कैरी फॉरवर्ड अगर हर आदमी करेगा, तो ये चीज़ पावर ऑफ डुप्लीकेशन, अच्छे कामों का अगर डुप्लीकेशन होता चला गया, तो मैं नहीं समझता कि हमको कोई एक आदमी ऐसा मिलेगा कि जिसको मदद ना मिली हो, और कोई भी एक आदमी ऐसा नहीं मिलेगा जिसने मदद ना की हो। तो मेक फॉर ईच अदर, एक दूसरे के लिए जिस दिन हम जीना सीख जाएंगे उस दिन जीवन सफल होगा, यही मेरा संदेश है पूरे देश के युवाओं को, देश के उन लोगों को कि जो जीवन में कुछ करना चाहते हैं। हम बहुत सारे घरानों को बोलते हैं, कॉर्पोरेट्स घरानों को बोलते हैं, बड़े लोगों को बोलते हैं कि आप सबकी इच्छा है कि कुछ करें, लेकिन समय के अभाव, अवेलेबिलिटी, आपका प्रोटोकॉल या बहुत सारी चीज़ों में आप नहीं कर पाते, बट आप उन लोगों को मदद कर दीजिए जो इन कामों को कर रहे हैं, यही मेरा संदेश। थैंक यू वेरी मच सर।